बारिश आया कर तुमने बिरा बारिश आवे है तो छोटे मोटे जो पक्षी हुए हैं, छोटे मोटे जो पक्षी परिंदे हुए हैं, चिड़िया है, काग है, छोटे मोटे वे क्या कर रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं, कोई पेड़ के तले बढ़ जाए, कोई छाता के तले बढ़ जाए, कोई घर में बढ़ जाए, कोई कितने बढ़ जाए, कोई अपने घोंसले में बढ़ जाए। लेकिन याद रखियो एक पक्षी ऐसा है जो बारिश से डरकर छुपता नहीं, वो बारिश से ऊपर चला जाता है, बादलों से भी ऊपर चला जाता है, जिसको हम बाज बोलते हैं साहब। बाज बाज ये कहता है बादलों के ऊपर जाकर कि बरस ले जितना बरसना है, एक घंटा दो घंटा जब छक लेना बरस कर, उसके बाद मैं नीचे आऊंगा। तो याद रखियो आपने परिस्थितियों के नीचे नहीं दबना, आपने परिस्थितियों के ऊपर आना है, बाज की तरह उड़ के और हर एक चीज को कवर करना बहुत ही जबरदस्त तरीके से। भाई सबको नमस्कार, राम राम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बढ़िया होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आप सबका स्वागत है मैं सुधीर मुकेश यूट्यूब चैनल के ऊपर, और आज की वीडियो जबरदस्त जहर खतरनाक करने वाले हैं। याद रखियो इस वीडियो में जो बालक ध्यान तक देख लेगा, अच्छे तरीके से फॉलो कर लेगा, 100% भी नहीं कहता, 50% भी अगर तुमने फॉलो कर लिया इस वीडियो के अंदर बताई गई बातें जो टाइम टेबल में बताऊंगा, तुमने फॉलो कर लिया तो तुम्हारी नौकरी 110% पक्की है, 110% पक्का नौकरी लगोगे अगर इस बात जो मैंने टाइम टेबल बताऊंगा अगर वो फॉलो कर लिया तो। क्योंकि वो जो टाइम टेबल है वो मैंने अपने हिसाब से बनाया, याद रखियो कुछ एक बड़ा करने के बाद खराब लग सकता है, क्योंकि आपकी जो डेली लाइफ की जो टाइमिंग है वो हो सकता है उससे मैच ना करे, तो एक आधे बड़का ने थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ सका है। लेकिन लगभग बालक जो बस नुए चाहे कि भाई मैंने लागना है नौकरी, जो घर तक लिकड़ के और सिर्फ नु चाहे कि भाई मैंने नौकरी लागना है, सिर्फ पूरे दिन उसका पढ़ने का काम है, उस बच्चे के लिए ये रामबाण साबित हो सकती है। तो ध्यान तो देखियो वीडियो ने पूरी देखियो, वीडियो के बीच बीच में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई जाएंगी आपको, बच्चा करे कि वीडियो सीधे एंड में ले जाए और जो लास्ट में जो मैंने लिखे होगा उसका स्क्रीनशॉट ले ले, नो माना ये सारा बताया ना, बहुत सारी चीजें बीच में बताई जाती है, तो हर एक चीज तुमने बिना होनी चाहिए जो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यह बात ध्यान से सुन लियो सारे बच्चे, एक चीज मस्ट है, अगर वो चीज आप नहीं कर रहे तो आपको दिक्कत हो सकती है। मस्ट है क्या है सर? मस्ट बोले तो जो करनी ही करनी है, मस्ट जो करनी ही करनी है। टाइम टेबल बताने से भी पहले आपको यह बात बता रहा हूं कि जो करनी ही करनी है, मस्ट है वो चीज क्या, कि अगर आपने अब तक लैब को ज्वाइन नहीं किया है, लैब बोले तो लाइब्रेरी, अगर आपने अब तक लाइब्रेरी को ज्वाइन नहीं किया, अगर तो आप किसी कोचिंग सेंटर पर जाते हो फिर तो आपके पढ़ने का शेड्यूल ही अलग है, बात खत्म। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो याद रखियो 100% अगर रिजल्ट चाहिए, मेरे बताए गए इस पैटर्न का, इस टाइम टेबल का, तो आपको लैब ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, 400-500 रुपए लगेंगे, घंटे घंटे 1000 रुपए लगेंगे, इतना खर्च आ रहा है लाइब्रेरी का, एक महीना रह रहा है, जम का पढ़ लो, लाइब्रेरी में नहीं गए हो तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम तो घर पर ही पढ़ते हैं, हम तो सर अपने घर पर ही पढ़ते हैं, होमवर्क करते हैं सारा सारा, हमने सर घर में अलग से रूम बना रखा है या मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, मैं घर पर पढ़ सकता हूं। अगर तो आप 100% उस बात पर हो कि हाँ मैं पढ़ सकता हूं, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तो घर में रुकियो भाई। बाकी मेरे हिसाब से चाहे कोई कितना कह ले, घर के अंदर डिस्टर्बेंस होती है। अगर आपके दिमाग में भी यह बात है कि क्यों 500,000 रुपए लगाए, मेरा अलग से रूम तो है, उसके अंदर बैठ के पढ़ सकता हूं, मैंने कोई दिक्कत को नहीं, फिर भी याद रखो इस बात में डिस्टर्बेंस होगी होगी होगी, पक्की बात है। और क्यों रहता है बीच बीच में खाने का भी जी करेगा, अब चल रसोई में जाकर मैगी बना खा ले, या मम्मी देखा दे मैगी बना देगी, मैगी खा लेंगे, या कुछ भी है ओका पी लिया भाई, कुछ भी पी लिया, कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन बीच बीच में डिस्टर्बेंस होगी घर में अगर आप हो तो। इसलिए मैं कहता हूं कि इस पर अगर काटा मार सको तो मार दियो, कोशिश करियो ज्वाइन करने की लाइब्रेरी। ठीक है, पहली बात मस्ट चीज है भैया। अगर यह बात समझ में आ गई तो वीडियो ना अगर देखियो, अन्यथा अगर तुम लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर सकते घर के चक्कर में होके भाई घर में पढ़ूंगा मैं, या फिर सारी कोई मजबूरी है तो वो देख लियो। ठीक है, बाकी सारा का सारा टाइम टेबल मैं बता दूंगा। घर पर पढ़ना है तो कसम खा लियो कि भाई मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा अपने आप को, कि कोई मेरे को डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता, ये बात ध्यान में रखियो। अच्छा, यह वीडियो देखने से पहले भाई, यह वीडियो देखने से पहले एक बात और बता दूं, मैं जल्दी इस वीडियो में खत्म करूंगा, छोटी वीडियो बनाऊंगा, एक बात और बता दूं, इस वीडियो के अंदर मैं कभी कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, ये सिर्फ टाइम टेबल की वीडियो है। कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है इसके ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं पहले से, आई बटन में उसका लिंक आओगा, आड़ सीखा होगा लिंक आई बटन में, और वह वीडियो देख लियो सारे बालक। उस वीडियो के अंदर, क्या है, मैंने पूरा कंप्लीट बताया, अभी कल ही वो वीडियो अपलोड हुई है, उस वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट ये बताया है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, और जो सा पढ़ना है वो कितना पढ़ना है, जो छोड़ना है वो कितना छोड़ना है, और मस्ट डू सब्जेक्ट कौन से हैं, कि ये तो करने ही करने हैं, इनके बिना तो काम चलेगा नहीं, और कौन से सब्जेक्ट छोड़ सकते हो, वो सारी बातें मैंने इसके अंदर बताई हैं, एक बहुत ही तगड़ा प्लान बताया। तो यह वीडियो देखो, वह वीडियो भी जरूर देखियो, पूरा टाइम टेबल देखने के बाद में वह वीडियो जरूर देख लियो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आई बटन में भी लिंक उसका आ रहा है। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं भाई टाइम टेबल की। देखो सारे बच्चे, बहुत ही सिंपल टाइम टेबल है,
आधे बात को सोचा रहा कि सर टाइम टेबल एक दो दिन फॉलो होता है, उसके बाद फॉलो नहीं होता। याद रखियो यह बात सच्चाई है, मैं मान लू कि टाइम टेबल एक दिन से ज्यादा फॉलो नहीं कर सकता बंदा। लेकिन अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हो, देखो ये प्लस पॉइंट है लाइब्रेरी का, अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हो तो आप टाइम टेबल को फॉलो कर पाओगे आराम से, क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ और है नहीं, आप टाइम टेबल ही फॉलो करोगे। तो याद रखियो ये जो टाइम टेबल बनाऊंगा मैं, ये अप्रोक्सीमेटली 8 घंटे का होगा, 10-11 घंटे पर इसमें आप ले जा सको, 10-11 घंटे पर आप इसको ले जाओगे, मैं नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, सुनो भाई सारे बच्चे, सुबह उठने का टाइम जब पूरा टाइम टेबल खत्म कर लेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सुबह किस टाइम उठना है। ठीक है, तो देखो सारे बच्चे, सबसे पहली बात है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सुबह उठ के जिस भी टाइम आप उठो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 9 बजे की बात बताता हूं मैं, 9 बजे देखो आपकी पढ़ाई शुरू होगी, 9 बजे, 9 बजे से पहले तक, 9 बजे से पहले तक खाना पीना फ्रेश होना जो भी करना है कर लियो, 9 बजे, 9 बजे क्योंकि मैं इस टाइम को 8 बजे करने वाला था, लेकिन सर्दियों का टाइम है तो बड़ा थोड़े से लेट सोए हैं और लेट उठे हैं, तो 9 बजे से आपका टाइम टेबल शुरू होगा, 9 बजे पढ़ने बैठ जाना है किसी भी सूरत में। अगर लाइब्रेरी जाना चाहते हो, शहर दूर है, आधा घंटा लग है, तो 8:30 बजे घर तक बैठ लियो और 9 बजे पहुंच लियो लाइब्रेरी में, 9 बजे आपका टाइम शुरू हो गया। अगर 9:30 बजे बैठे हो तो आधा घंटे का लॉस है इस टाइम टेबल के हिसाब से और मेरे हिसाब से। तो 9 बजे जब आप पढ़ने बैठोगे, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, इसके अंदर कुछ बातें हैं वो भी मैं आपको साथ साथ में डिस्कस करता चलूंगा। 9 बजे से 11 बजे तक आपने क्या पढ़ना है, ध्यान से देख लियो, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, 9 बजे से 11 बजे तक आपने क्या पढ़ना है, इस टाइम पर आपने पढ़ना है करंट अफेयर कौन सी, सेंटर की और हरियाणा की, दोनों की दोनों पढ़नी है। कैसे पढ़नी है वो आपका काम है, मैंने उस वीडियो में समझा दिया है। करंट अफेयर प्लस में हिंदी, एक सब्जेक्ट में वो डाल रहा हूं इसके अंदर हिंदी। अब सर कैसे करेंगे इसको, सर कैसे करेंगे, या तो आप इनको अल्टरनेट डेज पर करो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप अल्टरनेट डेज पर करो, आप एक काम करो 9 से 11 आपके पास 2 घंटे हैं, दो घंटे में से आप 1 से 1.5 घंटे तक करंट अफेयर करो और आधा घंटा हिंदी पढ़ लो। ये जो प्लान है ये आपका 30 दिन का प्लान है, 30 दिन तक अगर लगातार आप हिंदी पढ़ते रहे, बीच में एक दो दिन आपने नहीं भी पढ़ी छोड़ लो, तो कुल मिलाकर आपका 15 घंटे का कंटेंट हिंदी का तैयार हो जाएगा, जो कि मोर देन इनफ है हिंदी के लिए। ठीक है, चलो जी पहली चीज यह, 9 से 11 तक आपने करंट अफेयर पढ़नी है प्लस हिंदी करनी है, अल्टरनेट डेज पर करो आपकी मर्जी है, साथ साथ में करो आपकी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आपको सूट करे। हिंदी और दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, पेपर में पक्का आऊंगी, 5% यहां से और 7-8% यहां से पक्के पेपर में बनने वाले हैं। अभी मैं बाद में आपको गिनवाऊंगा कि ये जो मैंने टाइम टेबल बनाया हम इससे कितने क्वेश्चन कवर कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो दूसरे नंबर पर क्या होगा भाई, दूसरे नंबर पर होगा, अब देखो 11 बजे, अब यहां पर मैं 11 बजे का टाइम लगा रहा हूं, अब यहां पर आप एक बात पहले अज्यूम कर लियो कि भाई 11 बजते जैसे 11 बजे सीधा करंट अफेयर बंद और सीधा अगला सब्जेक्ट शुरू, ना ऐसा नहीं करना। एक काम कर लियो 11 बजे जब भी मैं टाइम ब्रेक दूं, जैसे कि हम अब सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, तो जब सब्जेक्ट चेंज करें तो 5 से 10 मिनट का ब्रेक आपने अपनी तरफ से दे देना है, आप इसको 10:55 पर खत्म कर दो, 5 मिनट का ब्रेक दे दो, या 11 बजे खत्म कर रहे हो तो 11:05 पर आप इसको शुरू करना, 5 से 10 मिनट का ब्रेक देना बीच में, और उस ब्रेक में क्या करना है ध्यान से सुन लो, उस ब्रेक में नहीं रिवाइज करना जो कि मैं ना, उस ब्रेक में दिमाग को खाली करना, उस ब्रेक में दिमाग को खाली करना। याद रखियो आपने इस 2 घंटे में जो चीज पढ़ी है, जैसे हम कंप्यूटर में कोई चीज कर रहे हैं, कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें कंप्यूटर की रैम में चल रही है। आप कंप्यूटर पढ़ते हो आपने मेरा होगा, कंप्यूटर के रैम में वह मेमोरी चल रही है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई फाइल बना रहे हैं तो कंप्यूटर के रैम में वो चीज चल रही है। अगर मेरे को बताओ, अगर हम उसको सेव नहीं करेंगे फाइल को और एकदम से कंप्यूटर बंद हो जाए या उसको काट कर दूसरी फाइल खोल दे, तो क्या वो फाइल हमें मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको हमने सेव नहीं किया। तो ये 5 से 10 मिनट आपको क्या करना है, इस फाइल को, ये जो आपने पढ़ा है इसको सेव करने के लिए 5 से 10 मिनट इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसमें क्या करोगे, आपका फेवरेट गाना सुन सकते हो, कोई फनी वीडियो देख सकते हो, बच्चों के साथ बातें कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ गपशप मार सकते हो, ठीक है, अपने प्रियता बात कर सको, तारी मर्जी कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। तो यह चीज है, अच्छा प्रियत याद आया, इन चीजें थोड़ा सा अवॉइड करियो, इन दिनों में जरूरी है आपके लिए, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर क्या है, अब देखो सारे बच्चे, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको हर एक चीज बिल्कुल जीरो लेवल पर समझाने की। 5 मिनट का ब्रेक हर गैप में मिलेगा भाई आपको, हर जब भी सब्जेक्ट चेंज होंगे 5-10 मिनट का ब्रेक आपने देना ही देना है, ठीक है। 11 बजे से लेके 1 बजे तक क्या पढ़ना है आपने, हरियाणा जीके, क्या करना है साहब, हरियाणा जीके। अब इसके अंदर 2 घंटे में हरियाणा जीके के बोले हैं, क्यों, क्योंकि हरियाणा जीके के 20 से लेके 22% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आपकी बार 20 से 22% आपको हरियाणा जीके देखने को मिलेंगे। और इन प्रश्न में याद रखियो 2 घंटे दिए हैं, अब यहां पर आपके पास प्लस पॉइंट क्या है कि रवि सर की 11 बजे लाइव क्लास आती है, जो कि 11 से 12 तक चलती है, आप 1 घंटा इस क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आपकी मर्जी है 1 घंटा, जो 2 घंटे मैंने दिए हैं इसमें मैंने 1 घंटा तो यूट्यूब को दिया है और 1 घंटा किसी भी बुक को दिया, जो भी बुक आपके पास है,
ठीक है, ये जो एक घंटा यूट्यूब का है, हो सकता है आप चाहो तो रवि सर की 11 से 12 वाली लाइव क्लास डेली होती है अपने चैनल के ऊपर, रवि सर की जबरदस्त क्लास, वो अटेंड कर सको, वो नहीं तो आप यूट्यूब पर कहीं पर भी इन्वेस्ट करो, लेकिन यूट्यूब पर इन्वेस्ट जरूर करना है, एक घंटा यूट्यूब के ऊपर और एक घंटा अपनी बुक के अंदर माथा मारना है, पक्की बात है। ठीक हो गया, हरियाणा जीके की बात खत्म होगी, अब क्या करें, अब देख लो 1 बज गया भाई, अब 1 बजे के बाद, 1 बजे के बाद आप डायरेक्टली पढ़ोगे नहीं, अब ध्यान से अगर हम देखें तो हम 4 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, हमें 4 घंटे हुए, 9 से 11, 11 से 1, और बीच में 1-10 मिनट का ब्रेक लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे साहब ब्रेक। याद रखियो, ब्रेक लेने का मतलब यह है कि भाई आपको लगातार दिमाग के ऊपर बर्डन नहीं डालना कि भाई दिमाग ओवरलोड हो जाए और फिर आप चीजें भूलना शुरू कर दो। तीसरे नंबर पर आपको क्या लेना है, कहां से कहां तक, 1 बजे से लेके 1:30 तक आधे घंटे का आपने क्या लेना है, ब्रेक लेना, आधे घंटे का क्या लेना है, ब्रेक लेना है। यकीन मानियो बहुत ही फायदा मिलेगा आपने इस चीज में जब आप फॉलो करोगे तो। ठीक है, ब्रेक ले लिया, ठीक बात है, इस ब्रेक के अंदर क्या करना है, खाना पीना खाना है, कोई दिक्कत को नहीं, ते खाना नहीं भी खाना, मान लिया आप सुबह खा खाओ, कुछ बड़ा क्या तो सुबह खा लें, कभी दसा न खाओ है, अगर उस टाइप के तुम बच्चे हो तो इस आधे घंटे में आराम से रेस्ट करो, कि तुम लौट ना लौट जाओ, आंखें में चलो 2 मिनट, कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन आधा घंटा बिल्कुल फुल ब्रेक, कोई पढ़ाई नहीं इस टाइम पर। ठीक है, अब आते हैं चौथे नंबर पर, 1 से 1.5 बज चुका है, 1.5 बजे से लेके और 2:30 बजे तक, 1.5 बजे से लेके और 2:30 बजे तक आपने क्या करना है, 1.5 बजे से 2:30 बजे तक आपको करना है क्या, कंप्यूटर, क्या करना है, कंप्यूटर बात समझ में आ रही है, या फिर एक काम करो, यहां पर मैं इसके बाद साइंस लिखने वाला हूं, आप एक काम करो, मैं आपको बेस्ट चीज बताता हूं, इससे भी खतरनाक एक चीज बताता हूं, देखो हटा दो, क्योंकि 1 घंटे में क्या ही कंप्यूटर पढ़ोगे आप, है ना, 1 घंटे में क्या कंप्यूटर पढ़ोगे, इसलिए आपको एक बात बताता हूं, पहले से सुन लो सारी बच्चे ध्यान से, 1:30 बजे तक लेकर 3:30 बजे तक, 1:30 बजे तक लेकर और 3:30 बजे तक, देख लो सारे बच्चे, 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, इस टाइम पर आप क्या करो, अल्टरनेट डेज पर, जैसे कि मैंने आपको 2 घंटे का समय दिया है, 2 घंटे का समय दिया है, आप आज ये सब्जेक्ट कल ये सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट आपको अल्टरनेट डेज पर पढ़ने हैं, कौन से, एक तो कंप्यूटर और एक कौन सा, साइंस। जैसे कि मान लो आज है, आज हमने कंप्यूटर पढ़ा, ठीक है, 2 घंटे लगातार हमने कंप्यूटर पढ़ा, अगले दिन 2 घंटे लगातार साइंस करनी है, जो आपका फेवरेट टॉपिक है, मान लो आप आज साइंस पढ़ रहे हो, आपको साइंस के अंदर जो अपने शरीर में बीमारियां हैं उनके बारे में पढ़ना, भी केड़ की बीमारियां हैं, तो आज कंप्लीट बीमारी खत्म कर दो। ठीक है, आप किस दिन कंप्यूटर पढ़ रहे हो, कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़नी है, उस दिन कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़नी, ठीक है, कंप्यूटर में C++ लैंग्वेज पढ़नी, जो भी आपने पढ़ना है, एक दिन में 1-2-4 टॉपिक जितने कवर कर सकते हो इन 2 घंटों में कवर करो। ठीक हो गया, अच्छा जी, इव टाइम क्या हो लिया भाई, टाइम हो लिया 3:30, ठीक हो गया, टाइम हो लिया 3:30, इव 3:30 के बाद में ये बाजा भाई पांच नंबर पे 3:30 हो गए हैं, 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, देखिए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, 3:30 बजे से लेके 5 बजे तक, 3:30 बजे से लेके 5 बजे तक आपको क्या करना है, इस टाइम पर आपको रीजनिंग पढ़नी है। देखो हर एक बच्चा इन चीजों से मतलब वो फील नहीं कर सकता कि भाई हाँ ये सारी चीजें ठीक है, आप अपनी सारी चीजें को चेंज कर सकते हो, छोटे मोटे बदलाव कर सकते हो, कि आप चाहते हो कि भाई रीजनिंग को मैं पहले पढ़ूं कंप्यूटर बाद में पढ़ूं, तो वो आप कर सकते हो, लेकिन मेजर चेंज मत करना, ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि यह बहुत मेहनत है, बड़ी चीज है भाई, मेजर चेंज मत करना, छोटे मोटे चेंज कर सकते हो, और टाइम में तो खासकर चेंज मत करना, ठीक है, ये बहुत सोच समझ का टाइम बनाया गया भाई। अब बच चुके हैं 5 भाई, आपने रीजनिंग पढ़ ली, कैसे पढ़नी है रीजनिंग, क्या क्या चीज पढ़नी है, प्रीवियस वीडियो जो मैंने आई बटन का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उसमें बता दिया है कैसे पढ़नी है। ठीक है, अब आता है छठे, आपके दिन की आखिरी चीज, दिन की आखिरी चीज क्या है, मैथ, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक 1 घंटा आपको मैथ को देना है, आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, 1 घंटा आपको देना है मैथ को, और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप 2 चीज कर सको, पहले चीज क्या कर सको, मेरी लाइव क्लास है 5 बजे, वह अटेंड कर सको, क्योंकि उसके अंदर क्या है, आपकी प्रैक्टिस करानी है, अल्टीमेटली आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने प्रैक्टिस करनी है, कोई दिक्कत को नहीं, प्रैक्टिस करते चले जाओ, कोई समस्या नहीं है, 5 से 6 बजे तक मैथ 1 घंटे क्लास में लेता हूं, डेली लाइव क्लास, तो वो आप अटेंड कर सकते हो बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वो अटेंड नहीं करना चाहते, आपका बेस कमजोर है, आपको लगता है कि सर मेरा बेस कमजोर है, मैं उतनी अच्छे तरीके से मैथ नहीं कर पा रहा, तो मेरा कंप्लीट कोर्स भी है भाई, कंप्लीट कोर्स है मैथ का, वो भी आप देख सको, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट कोर्स है, बैच नंबर 3 मिशन एग्जाम अपनी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिशन एग्जाम एप्लीकेशन पर अपना मैथ का कंप्लीट कोर्स है बैच नंबर 3। अगर आप ग्राम सचिव पटवारी सीटी के लिए लेना चाहते हो तो बैच नंबर 3 ले लियो, मुकेश 40 कोड का यूज करियो, आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। नीचे दिख रहा है, देखो नीचे लिख रहा क्या ना, नीचे वीडियो के नीचे भी आ रहा है,
मुकेश 40 कोड यूज करिए, आपने डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी अगर जानकारी चाहिए किसी भी कोर्स के बारे में तो एक नंबर दे रखा है 72065596 उस पर जाकर आप फोन कर सको, ठीक है। अच्छा जी, 5-6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये सारा का सारा काम है आपका लैब का काम। ये किसका काम है? लैब का काम। लैब में आपको इतना ही काम करना है, इससे ज्यादा लैब में काम नहीं करना। 6 बजते ही पूरे तरह फ्री अपने घर की तरफ चल पड़ो। 6 बजे के बाद पढ़ने की लैब के अंदर जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, लैब में पढ़ लिए, ओके, रिपोर्ट हो गया। उसके बाद हम आगे घर पे, याद रखियो आपके लगभग 8 घंटे तो मैं वहां पर लगवा चुका हूँ, आपके लगभग 8 घंटे वहां पर हो चुके हैं। मैंने क्या बताया था कि 8 घंटे अपनी तरफ से मैं बताऊंगा, उसको 10 घंटे या 12-11 घंटे आप बना सकते हो। वो 10-11 कैसे बनेंगे आइए देखते हैं। तो देखो सारे बच्चे क्या है, होम के अंदर मतलब घर के अंदर आपने काम क्या करना है, जब सारे सोले में मतलब के लगभग शहर में बारिश हो गए, गांव में जल्दी सो जाए मानस, लेकिन फिर भी सोचे ना सोए आपको 9 बजे तक फ्री हो जाना साहब, 9 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाना है। खा पी के सारे काम करके घूम फिर कर मार मुर कर कति फ्री हो गए 9 बजे तक, 9 बजे फ्री होकर फिर पढ़ने बैठना है। और 9 बजे से लेके 11 बजे तक या 12 बजे तक ये है डेड एंड, इसके आगे नहीं जाना, 12 बजे के आगे नहीं जाना, 11 बजे या 12 बजे तक 2 या 3 घंटे, यहाँ पर आप 2 घंटे निकलेंगे या 3 घंटे निकलेंगे। इन घंटों में इन टाइम पर इस टाइम पर आपने क्या करना है, इस टाइम पर आपने जीएस पढ़नी है, जीएस पढ़नी है, बोले तो जीएस, बोले तो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटी ज्योग्राफी, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटी ज्योग्राफी हीपीजी है ना, हीपीजी। चलो इसका हमने कोड बना दिया हीपीजी का, हीपीजी, हीपीजी मतलब के हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटी ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट है जो आप इन 2 घंटों में 3 घंटों में जो भी आपका फेवरेट टॉपिक लगा आपने कि भी आज पॉलिटी के अंदर मैंने राष्ट्रपति पढ़ना है, प्रधानमंत्री पढ़ना है, आज मैंने संविधान का फलानी चीज पढ़नी है, आप इन 2 घंटों में पढ़ो आपकी मर्जी है, या 1 घंटे पढ़ो, बाकी के 1 घंटे में आप हिस्ट्री में कुछ हुमायूं बाबर की और पढ़ लो, आपकी इच्छा है। लेकिन इन चीजों के लिए आपको अलग से टाइम नहीं निकालना, आपके जो दिन का शेड्यूल मैंने बताया था 9 से 6 बजे का उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये नोट शॉर्ट सब्जेक्ट है जो पेपर में कम आएंगे और लगभग कम ही आऊंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा, इसके साथ आप अल्टरनेट डेज पर एक चीज और कर सको, जैसे कि मान लो आज आपने ज्योग्राफी का कोई टॉपिक पढ़ा पूरे दिन, कोई दिक्कत नहीं है 9 से 11 बजे तक, और उसके साथ साथ में आप एक पोस्ट रिलेटेड चीज होती है, वही पोस्ट रिलेटेड चीज होती है, वो भी आप इसके साथ साथ पढ़ सको। अच्छा, बात जो है ना, जैसे कि पोस्ट रिलेटेड मतलब क्या कि भाई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ग्राम सचिव के लिए आप पंचायती राज पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से, वहां से भी 2-4% आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। तो वो चीज है, अब यहाँ पर हम एक बार एस्टिमेट लगाते हैं कि कितने कितने परसेंट हम यहाँ से कवर करेंगे दिन में 6 घंटे, दिन में 9 से लेकर 6 बजे तक हम कितनी चीजें कवर कर पाएंगे। करंट अफेयर के आपको कम से कम 5% दिखेंगे, याद रखियो करंट अफेयर के कम से कम 5% दिख सकते हैं, हिंदी के भी कम से कम 5% आने होंगे, 4 से 5 आएंगे, ठीक है। हरियाणा जीके के 20 से 22% आएंगे, यह भी पक्की बात है। अच्छा, ब्रेक में तो कुछ आना नहीं अपने, कंप्यूटर साइंस के मिलाकर है, कंप्यूटर और साइंस दोनों के मिलाकर मेरे हिसाब से इस पेपर में 15% आने वाले, कंप्यूटर और साइंस दोनों के मिलाकर मेरे हिसाब से इस पेपर में ग्राम सचिव के पेपर में 15% आने वाले हैं, या बस देख लियो। रीजनिंग के आपको 10 के आसपास% दिख सकते हैं, मैथ के आपको 10 के आसपास% दिख सकते हैं, पिछले पेपरों में तो मैथ के 11-12% थे, रीजनिंग के तो 15-15, 20% आए थे अभी जो पेपर हुए थे उनमें। तो एक बार अगर मैं एस्टिमेट सा लगा तो देखो 10 और 10 20 20 और 15 35 35 और 10 45 45 और 22 कितना होगा, लगाओ जरा हिसाब, 45 और 22 तो 67 क्वेश्चन, 67 क्वेश्चन ऐसे हैं, देख लो सारे बच्चे 67 क्वेश्चन ऐसे हैं जो श्योर सब्जेक्ट से हैं, मतलब कि अगर आप इन पर पूरा फोकस करो, दिन का 80% टाइम मैंने आपको इनके ऊपर डिवाइड करा, क्यों, क्योंकि 67 क्वेश्चन आपको यहां से दिखेंगे। और यहां से तैयारी करने का फायदा क्या है कि इनमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये जो चीज है ना भाई, ये जो चीज है यहां पर इसके अंदर फिक्स नहीं है। अब देखो जैसे कि मान लो इसमें कितने बैठे, लगाओ हिसाब, 67 बैठे ना, तो 90 में थे, अगर 90 क्वेश्चन आओगे टोटल 67 अगर मैं घटा दूं तो कितने बैठेंगे, 23 कितने बैठेंगे भाई, 23 बैठेंगे, मतलब कि 23% आपको यहां से देखने को मिलेंगे, 23% यहां से देखने को मिलेंगे। पोस्ट रिलेटेड आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे है ना, पोस्ट रिलेटेड 5% मान के चलो भाई, 5% पोस्ट रिलेटेड भी आगे, तो आपके पास 18% बचते हैं, कितने परसेंट बचते हैं भाई, 18% बचते हैं, हो सकता है इससे भी कम बचे, क्योंकि मैंने वहां पर करंट अफेयर में 5% लिए, करंट अफेयर के ज्यादा परसेंट आ सकते हैं, तो 18% मान के चलो 18% यहां से आएंगे, जिनमें से 5 से 6% तो बहुत ही ज्यादा ईजी होंगे, 5 से 6% तो बहुत ही ज्यादा इजी होंगे, बाकी के जो 10-12 एंड में पाऊंगे तक में पूछ लेंगे, बेच डाल के पाऊंगे। तो याद रखियो ऐसा नहीं है कि आप इन 18 क्वेश्चनों में से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे,
जो बच्चा रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है, वो यहां से भी 18 में से भी 10 12 ठीक कर देगा, है ना। लेकिन हमारा मेरा मेन मोटिव क्या है, मेरा मेन मोटिव वो है कि जो श्योर सब्जेक्ट है जहां से पक्का पेपर में आएगा ही आएगा और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो कम से कम हमें, वो तो कवर कर ले। अपना दिक्कत क्या होती है, दिक्कत यहां पर होती है कि बच्चा ये सोचता है यार मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो वैसा हो गया, मैं तो 10 पेपर में फेल हो गया, मेरी तो परिस्थिति खराब है, मेरी तो कंडीशन खराब है, मेरे तो ये खराब, मेरे तो वो खराब है। याद रखिए ये सारे के सारे बहाने हैं साहब, सारे के सारे बहाने हैं। इन बहानों ने छोड़ दो, इन बहानों को अपने इरादों में बदल लो। ये बहाने हैं इन्हें छोड़ दो। क्यों, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, समझिए इस बात ने, बारिश आया कर तुम ने बिरा, बारिश आवे है तो छोटे मोटे जो पक्षी हुए हैं, छोटे मोटे जो पक्षी परिंदे हुए हैं, चिड़िया है, काग है, छोटे मोटे, वे क्या कर रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं, कोई पेड़ के तले बढ़ जाए, कोई छाता के तले बढ़ जाए, कोई घर में बढ़ जाए, कोई कितने बढ़ जाए, कोई अपने घोंसले में बढ़ जाए। लेकिन याद रखियो, एक पक्षी ऐसा है जो बारिश से डरकर छुपता नहीं, वो बारिश से ऊपर चला जाता है, बादलों से ऊपर चला जाता है, जिसको हम बाज बोलते हैं साहब। बाज, बाज ये कहता है बादलों के ऊपर जाकर कि बरस ले जितना बरसना है, एक घंटा दो घंटा जब छक लेना बरस कर, उसके बाद मैं नीचे आऊंगा। तो याद रखियो, आपने परिस्थितियों के नीचे नहीं दबना, आपने परिस्थितियों के ऊपर आना है, बाज की तरह उड़ के, और हर एक चीज को कवर करना बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो कभी भी एक्सक्यूज मत दो कि मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई दिक्कत को नहीं, इंसान की इंसान शरीर में हो आप, आपकी जिंदगी में कुछ भी हो सके, लेकिन हौसले बुलंद रखो, हर एक चीज तैयार रखो, आपका सिलेक्शन होगा गारंटीड, कोई दिक्कत नहीं है, बाज की तरह उड़ना सीखो। तो ये अपनी क्लास थी कंप्लीट भाई, जिसके अंदर मैंने सारा टाइम टेबल बता दिया है लगभग। हाँ, एक आधा बार पूछेगा कि भाई हरियाणा जीके के वो अपना एनिमल हस्बेंड्री का आपने बताई नहीं, तो हरियाणा जीके के अंदर ही आप एनिमल हस्बेंड्री और कृषि वगैरह पढ़ लेना, वो सारी इसके अंदर ही है। ये दो घंटे मैंने इसलिए आपको दिए हैं, ठीक है। तो बाकी शाम की 5 बजे वाली क्लास है, उसमें हम मिलेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करियो, शेयर करियो, सभी बच्चों के पास पहुंचा दियो, और अपने चैनल ने अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं कराया तो एक सब्सक्राइब का बटन है लाल रंग का, उसमें दबा दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेली 5 बजे लाइव क्लास होती है मेरी मैथ की, और 11 बजे रवि सर की हरियाणा जीके की जबरदस्त क्लास होती है, तो दोनों क्लास अटेंड करना मत भूलना। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।